नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 23 है, जिसमें आप खुद को जान सकते हैं कि मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कितनी तैयारी हो गई है। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप जीके के साथ साथ हिंदी का भी टेस्ट चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को 500 से ज़्यादा लाइक देने होंगे। अगर 500 से ज़्यादा लाइक इस वीडियो पर आते हैं तो मैं उसी दिन से सुबह जीके का टेस्ट अपलोड करूँगा और शाम के टाइम आपका हिंदी का टेस्ट अपलोड करा करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अगर आपने 12 सही कर दीजिए तो आप समझिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और बिल्कुल मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर ऐड हो जाइए, मैं वहाँ पर आपको PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रा स्फूर्ति की दर बढ़ती है या ब्याज दर बढ़ती है। 10 सेकंड है आपके पास, आपको उत्तर देने पड़ेगा 10 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, गोवा, केरल, मिजोरम या त्रिपुरा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या है, काफी सरल क्वेश्चन है, बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जहां पर जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है अनुसूचित जनजाति की, उसको आपको पहले रखना है और सबसे लास्ट वाले को सबसे एंड में रखना है। झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन चारों में से आपको ये ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से, किसके कारण होती है ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा होती है दोस्तों वो किस कारण होती है, आप सभी जानते हैं, कारखानों से, क्योंकि अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जो आपकी कारखानों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधी कारकों की जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है, जंतुओं की जाति अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है, या पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट सही हैं ये आपको बताने हैं, एक दो तीन या तीनों सही। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है ये आपको बताना है, राजकीय पक्षी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बी सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में आमले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया गया है पहले की वीडियो में, इसलिए ऑप्शन इसमें भी नहीं पढ़ूंगा मैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GST चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का समाधान है या प्रावधान है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन से आपका इसमें गलत दिया है, ये बी दे दिया, इसमें ए ऑप्शन से आपका, ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो कितने वर्ष का प्रावधान है दोस्तों GST पर, वो है आपका 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदारी उत्तरदायी होता है, थाना अध्यक्ष के, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति या जिला अधिकारी के प्रति। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए थाना अध्यक्ष के, थाना अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है उत्तर प्रदेश पुलिस बी नियमों के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार अधिनियम 1933 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सूची में आने वाले
विषयों को छोड़कर कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से, गोवा और दमन से, नई दिल्ली से राजस्थान, या संपूर्ण भारत में? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 का भारत रत्न मरणोपरांत निम्नलिखित में से किसे दिया गया? जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल, राजीव गांधी, या मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मदन मोहन मालवीय। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? काफी सरल क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा मैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ए, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की जो मुद्रा है वो आपको बताना है कौन सी है, यूरो, पेसो, रियाल, या पौंड? तो जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों? वो है आपकी ए, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया आयकर सेतु निम्न में से क्या है? मोबाइल ऐप है, मोबाइल गेम है, ए और बी दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या है आयकर सेतु? वो है आपका मोबाइल ऐप। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अब आपके चाहे जितने क्वेश्चन सही हों, चाहे 2 हों, चाहे 5 हों, चाहे पूरे 15 हों, आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है। कल से संभवतः हिंदी की भी क्लास स्टार्ट कर ली जाएगी, बस 500 लाइक आपको देना है तो आपको हिंदी की लाइक क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।